ऊबर कैब ड्राइवर पर लगा रेप का आरोप। दिव्यांग महिला ने कैब ड्राइवर के खिलाफ फर्श बाजार थाने में दर्ज कराया केस। पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दिल्ली में मेहर को लेकर शादी में विवाद के बाद लौटी बारात। दोनों पक्षों में कहा सुनी के बाद चली गोली। किसी के भी घायल होने की नहीं है खबर। पुलिस ने आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार। लड़की के परिजनों ने लड़के वालों पर लगाया आरोप। मेहर की रकम के बदले लड़के वालों ने मांगी थी कार। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कूड़ा डालने को लेकर हुआ बवाल। दो लोग घायल। घायलों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। सनलाइट कॉलोनी का है मामला। दिल्ली के मुंडका में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। घटना के बाद पति और तेवर फरार। मृतक महिला के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। ससुराल वालों ने बताया आत्महत्या का मामला। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में पति ने खाना बनाने में देरी को लेकर हुए विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। घर में जब पति लौट कर आया तो उसने पत्नी से खाना मांगा, लेकिन खाना देने में थोड़ी देर हो गई, जिसके बाद गुस्साए पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश अमन त्यागी और माया त्यागी को गिरफ्तार किया। एक इंग्लिश पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ चोरी की बाइक बरामद। आरोपी कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी गैंग का शार्प शूटर है, जो पैसे के लिए किसी की भी हत्या कर देता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इसके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में एक बार फिर देखने को मिला रफ्तार का कहर। सफदरजंग फ्लाईओवर के पास भयानक सड़क हादसा हुआ। सफदरजंग की ओर से एक ट्रक साउथएक्स की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसका बैलेंस खराब हुआ और वो डिवाइडर को तोड़ता हुआ दूसरी सड़क पर जा पहुंचा। ट्रक ने करीब 5 से 6 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। क्रेन के जरिए गाड़ियों को ट्रक से निकाला गया। तेज रफ्तार और आगे निकलने की होड़ ने एक युवक की जान ली। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। लैम्बोर्गिनी और स्विफ्ट डिजायर कार में लगी थी आगे निकलने की होड़। ओवरटेक करने की कोशिश में लैम्बोर्गिनी कार के साथ चल रही इको कार को टक्कर लगी। इको कार के नाले में गिरने से इसमें सवार अरशद की हुई मौत। हापुड़ में फिर दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। ट्रक के नीचे आने से एक महिला और दो बच्चे दबे। दो बच्चों की मौके पर ही हुई मौत। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर खुलेआम चलता है सट्टे का खेल। घोड़ों की रेस पर सट्टा लगाने वाले सटोरी हादसों को दे रहे हैं दावत। गाड़ियों के बीच घोड़ों की रेस का वीडियो सामने आया। दिल्ली के मंगोलपुरी में पूर्व विधायक रेड़ी पटरी वालों के समर्थन में उतर आए हैं। जयकिशन का कहना है कि अगर सरकार ने रेड़ी पटरी वालों के लिए जगह की व्यवस्था नहीं की तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जल्द ही राइड शेयर करने की सुविधा लोगों को नहीं मिल पाएगी। ऐप आधारित कैब में राइड शेयरिंग हो सकती है बैन। दिल्ली सरकार ने बताया गैर कानूनी।